वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ है और जैसा कि आपको पता है ये सेगमेंट आज होने जा रहा है जादू जन्नात के जो सवाल आपने हमें लिख भेजे हैं उनकी हम बात करेंगे आ, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कारी शफीक रमान जायद साहब जो कि माया जादू जन्नात हैं इनको वेलकम करेंगे सर असल कैसे हैं खैरियत है माशा अच्छा गायर साहब सवाल काफी हैं वन बाई वन शामिल करते हैं पहला सवाल है कि बच्चों या मिया बीवी में से आल 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 किसी एक की बदनजरी, बदचलनी और किसी की तरफ ग़लत मैलान का हल क्या है जी बिसमिल्लमर नज़ामी साहब बड़ा आम सवाल है और हर घर का हर ये औरत का मसला है हर बेटी का ये मसला है मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ख़ानदान बसों का तलाक़ का बसों का जुदाई और फिराक का शिकार होते हैं उसकी बुनियादी तरीन वजूहत में एक ये है कि मियाँ की तवज्जो का किसी और तरफ भटक जाना ठीक है बद नदरी कह लें बदचलनी कह लें किरदार तो में वीक पॉइंट आ जाने तो ये हर घर का मसला है और फिर खसूस वो माँ बाप वो वालदेन जिनकी जवान बेटियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाती हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ा पे जॉब के तौर पर जॉब होल्डर के तौर पे जाती हैं तो वहां सूरत ये है कि वो सारा दिन कैसे बेफिक्र हो सकते हैं कि मेरे बेटे की सफेद चादर को दुनिया की कोई ताकत दाग नहीं लगा सकती बेटा हो या बेटी हो बेटी हो बेटा, बेटा हो इसी तरह मियाँ जिस वक्त घर से निकलेगा जी बीवी और मेरी बात हो रही मेरी और आपकी बात हो रही तो बीवी को ये मुस्तकिल बुनियादों पे उसे यकीन होगा कि मेरे मियाँ की आंखों में मैल और कुचैल नहीं हो सकती बाद नजरी नहीं हो सकती उसके लिए नबीय कहना सल्लाने बड़ा ही इंतहा उमदा और मैं दावे से अल्लाह की कसम खा के भी कह सकता हूँ दावे से कह सकता हूँ कि जो बंदा किसी बेटे या बेटी को किसी मियाँ को वो इस मसले का शिकार देखती है अल्लाह से डर के वो छोटी सी दुआ ये दुआ पढ़ ले जी और ये किरदार की जामन और बेहयाई से बचाने की जामन पकीजगी की जामन दुआ है अल्लाह के फद्रम से रसूल केना वाल के पास एक साहब आ गया कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे जना की इजाज़त दे दे इतना चुका देने वाला सीधा सादा चिट्टा नंगा सफेद जुमलों में सवाल कोई आदमी आज के भी इस गए गुजरे में दौर दो, में कोई सवाल नहीं करेगा यहाँ तो महजब लफज अल्लाह के रसूल ने देखा कि मर्द मरीज़ दोनों को देखा कि मर्द भी कैंसर वाला है और मरीज भी बड़ा इंतहाई ख़तरनाक है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही कहा सवाल आपकी माँ के मतलब आपकी खाला के मतलब आपकी बेटी बहन के मतलब करे तो क्या इजाज़त दूध दे दूँ कहा नहीं अल्लाह के रसूल एक फिर दुआ बताई तमाम नादरीन को सामीन को ये दुआ हम तोहफ़े के तौर पर मसनून सही दुआ अल्लाहुम्मा उम फिर ज़म्बा अल्लाह के रसूल ने सीने पे हाथ रख के सीने पे हाथ रख के ये दुआ मैं यक़ीन करें अपने बच्चों के सीने पे हाथ रख के ये दुआ पढ़ता हूँ मुझे अल्लाह इत्मीनान और ईमान नसीब कर देता है ये बच्चे इंशाल्लाह शा रहेंगे अल्लाहुम्मा उमक फिर ज़म्बा अरबी ग्रामेटी अतबार से इसका तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब यह है एस के गाहों को इसके सारे गुनाहों को जड़ से ही खत्म कर दे Allah जड़ से खत्म ज़म्बा ये मुदा मुदाफ़ला अगर ड्रामेटी अतबार से देखा जाए तो उमूम का फायदा देता है कि इसके सारे गुनाहों को जड़ों से उखेड़ के बाहर दे मार और वत्ता हिर ऐ अल्लाह इसके दिल के एक एक रखने को दिल के एक एक सुराग को दिल के एक एक दरवाजे को इसको पकीदगी के साथ और Allah. साफ इसको कर दे Allah. और Allah. पाक कर दे बता हिर Allah. कलबा जी और फिर आगे वाला आखिरी जुमला वह हसन फर्जा इसके किरदार को किला नुमा हिफाजत अता फरमा ये Allah. तीन लफ्ज हैं आप यकीन करें दिल के अगर सौ बाल वाले हैं और सौ उसके सुराख हैं अल्लाह किसी एक सुराख में भी नपाकी का बद चलनी का बद नदरी का एक सुराख भी ऐसा नहीं होगा कि वहां वो गलत देखे, देखे ये तजर्बा करके देख लेना हसिन फर्जा इतनी दुआ से आप अपनी बेटी को महफूज करना चाहते हैं और मैं दावे से कहता हूं कोई बच्चा जना के बिल्कुल आखिरी दरवाजे पे खड़ा हो और दोस्ती में इंतहाई ज़्यादा गर्म सर्द हो और इसी तरह वो खुदकशी तक उसकी दोष ये मोहब्बत पहुँचा रही हो Allah तो ये आप दुआ पढ़ के देख लें अभी अभी पिछले दिनों मैंने एक बच्ची को कहने लगी हफ्सा मैं शादी शुदा हूँ शादी शुदा होने के साथ बावजूद मेरी बदनदरी की सूरत ये होगी कि मेरी एक लड़के से जान ही नहीं छूट रही मैंने अल्लाह से पहले दुआ की मैंने कहा अल्लाह तेरे हबीब का फरमान है और उसके बाद ये दुआ मैंने शेयर की तो आप यकीन करें कहने लगे कि अल्लाह ने वो दिल से मैल ही निकाल दी है जो मैल मेरे से दस साल आठ साल से जा ही नहीं रही थी इतनी जाम में अल्ला और अल्लाह अल्ला के रसूल ने जब दुआ दी तो उस साबी का फरमान को उसके बाद जिंदगी में कभी भी बुराई का ख्याल तक नहीं आया सुभान और फिर उसके बाद आपके आपकी बेटी हो या आपका मिया हो आपके मिया के पीछे जुलाखा से बढ़ के आशक मजाज औरत तो कोई नहीं लग सकती दूसरा वजीफा बता रहे हैं वो सूरह यूसफ यूसुफ सूरत हर बंदा ही पढ़ता है लेकिन यूसफ पढ़ो और यूसुफ ना बनो अल्लाह अल्लाह यूसुफ पढ़ो और यूसफा यूसफ ना बनो बनो तो यकीन करे आपने यूसुफ नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी तो फिर यूसुफ वाली बात ही है जी। उसमें एक दुआ है कहा के रब्बी सिज़नु रबी सिजन मिम्मा याद नीलई वही बर्दाश्त कर सकता हूँ तो जुलाखा जितने भी साथ दरवाजे बंद करके भी आ जाए और ताले लगा के आ जाए जब अल्लाह नजर को क्लब को कल्बो नदर को पाक कर दे तो साथ, साथ दरवाजे भी गुना नहीं करवा सकते ये दूसरी दुआ बड़ी अहम है रबी सिजनू और फिर उसके बाद एक दुआ तो इससे भी ज्यादा अहम है किसी आदमी की मोहब्बत किसी के दिल में कूट कूट के भर दी गई हो जी और वो मोहब्बत में मजनू और दीवाना बन चुका हो वो ये दो चार लफ्ज़ पढ़ ले मैं दावे से कहता हूँ उसके दिल में किसी गैर की मोहब्बत रह जाए और वो आपको तंग करे मियाँ हो या बेटी हो या बेटा हो क्या अल्ला इन्नी अस आलू का हुब्बा का वह हुब्बा मैं हिब्बू का वह हुब्बा यू बल्ली गुनी हुब्बा का और एक लफदा वाले अल्लाह दी यू कर्री गुनी हुब्ब्ब्ब्ब्बा का अल्लाह मैं सच्चे दिल से प्यारे सोने रब की सच्ची मोहब्बत का सवाली हूँ मुझे तेरे से किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए सलू का हुब्बा का हुब्बा मैं हिब्बू का मैं ऐसी मजलस ऐसे दोस्त ऐसे साथी बनाना चाहता हूँ जो तेरे से मोहब्बत करते हैं चलते फिरते नहीं मोहब्बत दोस्त बनाना चाहता और एक वालामल्लाकर्रबन हब्बात या अल्ला मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसे अमाल की तुफ़ी का ताफरमा कि वो अमाल तेरी मोहब्बत तकरीब कर दें यन करें मेरे मेरा ये ज़ाती नुस्खा है मैंने जब से अल्लाह के हुजूर ये दुआ शुरू की है दुनिया का कोई माल दुनिया की दौलत औरत शोहरत, दुनिया की इज्जत इस दिल में घर नहीं कर सकी जिस दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए ना फिर उसकी मोहब्बत के सिवा किसी और की मोहब्बत की जगह ही नहीं रहती अल्लाह और रसूल यही वजह है कि साहब कराम रिजवाल मजबाइन वो फरमाया करते थे नो अल आखिरा

पकीजा किरदार का पूरा आला नमूना ना दिखाएं तो आप हमें पूछ लेना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये तो बड़ा जबरदस्त पैकेज है बड़ा जबरदस्त यूनिवर्सिटीओं में बच्चियां जा रही हैं यकीन करें नज़री हद है बेटियों के लिए फिकर्मंद 20 चीजों का बंदे को ख्याल आता है आप कर दें करें तो सही है मर्द औरत बच्चे बड़े सबके लिए है मर्द औरत हो शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो जी

जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है अल्लाह तो रिजक बग़ैर मांगे भी दे देता है लेकिन हमें मांगने के बावजूद नहीं मिल रहा लोग कर्दे में गुर्बत में और मस्किनी में यतीमी में और इसी तरह बुरे हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यकीन करें दो चार चीज़ें बताता हूँ एक सबसे पहली चीज़ रिजक का दरवाज़ा और रिजक के सारे दरवाज़े खोलने वाली सबसे बुनियादी चीज़ अजतक फिर क्यूँम आतू बल क्ययम असल में इस्तफ़ार तो सारे पढ़ते हैं लेकिन अहैय्यल्कयम इस तरीके से पढ़ना है या याद सर नो तू जिंदा जवेद जात है हमेशा से जिंदा जवेद अद सर नो मुझे तू इतना साफ शफाफ बना दे कि मुझे से हर बंदा मोहब्बत करे दूर ना भागे तो ये दुआ पढ़ेंगे इस्तार सौ दफ़ा कर लें सत्तर दफ़ा करें लेकिन करें इस तरह कि आपको यकीन हो कि आपने तो आपका रिजक हर तरफ से और हर किस्म का रिजक ना आए तो फिर आप पूछ लें दूसरी चीज जी जो बहुत अहम है मैं मैंने खुद इसका तजर्बा किया है कि इस्तार का भी और एक ये दुआ ये बहुत अहम दुआ है आपके ऊपर करोड़ों रुपये कर्जा हो लाखों में कर्जा हो कीन कामल हो ये दुआ पढ़ने आपका लाखों रुपए का कर्जा चुटकियों में ना खत्म हो तो आप उसको देखें कौन सी मालिकल मुल्की तू तिल मुल्क मंतशा वतनजुल मुल्का व तजु मंतशा मंतशा वतिकल खैर इन्ना शेन कदीर रहमानु दुनिया वल आखिरा व रहम व तीह अमन तशा व तमन अमन तशा इमी रह मतन व तुग् बिहा अमन सिवा इतनी जाम दुआ यकीन करें कि मैंने देखा है मैं, हम तजर्बात भी करते रहते हैं साथ ही इसके तजर्बात जिसको ये दुआ बताई है अल्लाह के फ़लोक करम से वो शुरु रू हुआ है चाहे उसका लाखों करोड़ों रुपये कर्जा क्यों ना हो और उसमें रहमानदनिया आप बात इसका तर्जमा तो देखें ऐ के बादशाह तो रोटी बोटी का सवाल कर रहा हूं तू तो बादशाह बेशक, 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 बेशक। मालिकल मुल्क तू तिल मुल्क मंतशाह और वंत विलु मंतशाह रिजको इज्जत ना हो तो फिर भी बेकार रिजको हो इज्जत ना हो फिर भी बेकार फिर भी बेकार है यहाँ रिजक भी है और रिजक भी इज्जत से है खुददारी और इज्जत नफ्स के साथ और फिर आगे जाके जो जुमला है रहमान दुनिया वाला ख़िला यकीन करें ये जुमला तो बंदे के दिल और कलीजे कलेजे को ठंडक और सुकून राहत पहुँचा देता है ए दुनिया कायनात आखरत के रहमान रहीमजात ये मेरे प्यारे सोने रब की सोने प्यारे रब रहमान की यह रहमत है कि जिसकी वजह से पूरी कायनत खाई जा रही है और चलती जा रही तू जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है रोकता है मेरी एक अल्तजा है मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है कोई नहीं है। मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है और मुझे अपने सिवा किसी और का मोहताज भी ना बना यह दुआ बड़ी अहम तरीन है और तीसरी दुआ जो अल्लाबी हलाली का न हरामी का वग्न नबी का मन सिवाक ये दुआ पढ़ते तो सब लोग हैं काश के इन दुआओं का जो छुपा हुआ असल मगज, असल मगज है मगज है जो असर रूह है जी। वो किसी के ऊपर खुल जाए अल्लाह अल्लाह तो दुआ का असर बाकायदा नजर आएगा ऐ अल्लाह तू मुझे काफी हो जा रिज के हलाल के साथ मैं लुकमा और कतरा भी हराम का नहीं खाना चाहता गलत नहीं चलना चाहता तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह के फजल करम से इस दुआ का पस मंजर क्या है अल्लाह के रसूल के पास सहाबी रसूल आए कहना गया अल्लाह के रसूल अब तो कोई चौक चुरस्ता गली बाजार ऐसा नहीं है जिस जगह पे मैंने किसी का कर्जा ना देना हो अब तो लोगों से छुपता छुपता फिर रहा हूँ तो आप मुझे कोई दुआ आपने ये दुआ बताई उसने चंद दिन पढ़ी है उसके बाद अल्लाह की रहमत ऐसी हुई कि उन सहाबिय रसूल के मुतल आता है कि माल अल्लाह ने इतना दिया इतना दिया कि शुमार से बाहर हो गया सुबह सुबह इस दिल से कभी उसे याद करके तो देखो इस दिल से कभी उसे पुकार के तो देखो बेशक बेशक तो इन शहजीज़ आपका रिजक भी खुलेगा और आपके कर्ज़े वाली तो बात ही नहीं है कर्ज़ा तो ऐसे चुटकियों में उतरेगा ख़त्म होगा अल्लाह के करम से तो दुआ क्या है नादरी एक इस्फ़ार है दूसरा मालिक अल मुल्क है तीसरी अल्लाह मकफी नबी हलाली का अनहरामी का वागनी नबी फाजली का मनसवाक और चौथी और आखिरी बात रिजक के मसले में जी। जो आदमी देखता है कि उसके घर में सुकून नहीं है उसके घर में रिजक नहीं उसके घर में करदा उसका कारोबार नहीं चल रहा उसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी शुरू कर दे सिला रहमी चाहे फ़ोन पर करनी शुरू कर दे उन्हें चाहे टॉफियाँ देनी शुरू कर दे कुछ ना कुछ उन्हें देना शुरू कर दे मोहब्बत देनी शुरू कर दे मीठे प्यार भरे बोल देने शुरू कर दे उनको मुस्कुराहटे देनी शुरू कर दे उनको कॉल करना शुरू कर दे इस अमल से अल्लाह आसमान के दरवाजे तोड़ के तुम्हारे घर में रिजक का ना पहुँचाए और आपके घर में अल्लाह के फजल करम से रिजक की फरवानी ना हो तो आप एक दफ़ा आसमान की तरफ देख लें कि तूने कहा है किसी मौलवी ने नहीं कहा ये तेरे हबीब की दुआ है तूने कहा है, ये करो मैं रिजक देता हूँ मेरा काम हो गया मैं मैं कर चुका हूँ अब तेरा काम है तू जाने और तेरा काम जाने फिर देखे रिजक आता कहाँ से है इमाम अहमद बिन अम्बल के भी वाक़ हैं सुफियान के भी वाक़ हैं सुफियान सौरी के बिन बिनोना दीगर मुहदसन के वाक़ आते हैं कि ये तीन लोग ना मस्जिद में पढ़ने के लिए वैसे दूर से आए पहले होता था था खुश्क रोटियां लेके पचास सौ रोटियां लेके आ जाना दो दो तीन तीन महीने वो याद यादी याद करके भगो के खाते यार हुआ इस तरह के तीन दिन से ये भूखे थे खुदार इतने थे किसी से सवाल नहीं करना चाहते थे इज्जत नफ्स थी तीन दिन भूखे रहे जी। तीन दिन के बाद <coughs> उन्होंने फैसला किया रिजर्व का मसला अब किसी से तो मांगना है तो अब कुरा डालें जिसके नाम से निकलेगा वो किसी के घर से जाके मांग के खिलाएगा तो जिस वक़्त ये सूरत हाल हुई तो सफयान के नाम पे वो कूड़ा निकला तो खलबत में अलग बैठ गए कहने लगा आसमान की तरफ देख के अगर किसी से मांगना था तो तीन दिन भूखे क्यों रहे हैं तीन दिन प्यासे क्यों रहे तेरे किसी से मांगना था तो फिर तीन दिन भूखे और प्यासे क्यों रहे हैं नहीं मांगना जा जलाल में आ गए नहीं, नहीं मांगना भूखा रखना है प्यासा रखना है तो इसी तरह ठीक। खाब देखा एक साहेब ने जो उस इलाके का बड़ा वडेरा था उसने ख्वाब देखा कि मेरे तीन बंदे तीन दिन से भूखे और तू सोया हुआ है उठ जाके उसके रिजक का उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर उसने फिर देखा उठा खाब सम के सो गया फिर उसको अल्लाह ताला ने इसी तरह हलाया जुलाया किसी फरिश्ते के ज़रिए किसी चीज़ के जरिए तू तीन दिन से तीन मेरे बंदे भूखे हैं और तू यहाँ मजे की नींद सोया हुआ फिर उठा परेशान हुआ परेशान होने के बाद फिर तीसरी दफ़ा सोया तो फिर ज़्यादा थोड़ी सी जोर से लगी तीसरी दफ़ा जिस वक्त हुआ कि आप सोए हुए हैं तीन दिन से मेरे तीन बंदे भूखे सोए हुए हैं रह रहे हैं जी तो आप उनके लिए रिजक का अहतम तो। फिर अल्लाह ताला ने पूरा नक्शा और बाकी चीज़ें दिखा भी दी तो वो यकीन करें कि उनको मस्जिद में आके साहेब मिले और पाँव पकड़ लिए कि तुम्हारी वजह से अल्लाह हमें सोने नहीं देता कि इनके रिजक का मसला है अल्लाह ख्वाबों के जरिए हमें दिखाता है कि इनको खिलाना है जिस वक्त आप अल्लाह के हो जाते हैं मन काना लिल्ला कान अल्ला कान अल्लाह ला जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह पूरी कायनात को उसका बना देता सुभान है अल्ला, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह तो ये जो दुआएं आपने बताई अगर यही पढ़नी शुरू कर दी जाए तो ये तो सारे मामला जो कर्ज है जो मर्ज है जो तंगी है जो सारी चीजों से लेकिन पढ़े, है पढ़े चित चित के मजे ले जैसे आप कहा करते हैं दिल से पढ़े और तर्जमा पढ़ के तर्जमा सीख के तो फिर इन शिजल्ट देखे वाद अल्लाह रसूल की रसूल के फरमान है जिसमें सच्चाई के सिवा कुछ नहीं है बेशक हकानियत बेशे। के सिवा कुछ नहीं है मोहब्बत के सिवा कुछ, कुछ सारा कुछ ही इसके अंदर है ठीक है सर आगे एक सवाल पूछा गया है कि बार बार होने वाले जादू और मुस्तकिल दुश्मनी रखने वाले हाथित से बचाओ कैसे मुमकिन है देखें यह मसला बहुत ही अहम तरीन और ये तकरीबन जिसको जादू हो जाता है वो यही सवाल करता है कि जादूगर और जादू कराने वाले और करने वाले ये कब जान छोड़ेंगे ऐसे लोगों के लिए एक दुआ पहले दुआ सुन लें फिर उसके बाद आप पूरा किस्सा सुनना जी ताकि आपको समझाए कि कितनी अहम तरीन दुआ है और आपका दुश्मन इन दुश्मनों से बढ़ा नहीं है अल्लाह हम मकफ़ीनी हम बीमा शेता अल्ला हुम बिमा शेता यह दो लफजनी ज़बान अदा कर सकती अल्लाह हुम बिमा माँ शेता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पहले बादशाह था और उसकी बादशाह जादूगरी के पूरे बलबोते पे चल रही थी तो जादूगर जिस वक़्त बड़ी उम्र में हुआ तो उसने एक छोटे बच्चे का सवाल तकादा किया कि छोटा बच्चा दो और उसको मैं जादू अपना सिखाऊँ फिर उसके बाद आपकी हुकूमत चलती रहेगी ज़हीन फ़तीन छोटा बच्चा मुंतखब किया गया उसे लाया गया बच्चा जादूगर के पास कुछ चीज़ें सीखता था लेकिन रस्ते में आते जाते वक्त एक राहिब था एक राहब जो नेक अल्लाह वाला था मुवाहिद था, था। तौहीद परस्त उसके पास भी बैठता उसके पास बैठ के जादूगर के पास बैठते दोनों चीज़ें सीखता जा रहा था लेकिन एक मौका ऐसा आया कि रस्ते में जा रहा था वहाँ एक अजीब किस्म का जानवर बैठा हुआ जिसने लोगों के रस्ते को बंद किया हुआ और लोग डर रहे हैं इधर के इधर खड़े हैं और इधर के इधर खड़े हैं लेकिन बच्चे ने देखा कि आज मौका है जादूगर और इस मवाहिद के दरमियान में तकाबल करवाने का सच्चा कौन है झूठा कौन है इनमें से सच्चा कौन है और झूठा झूठा कौन है तो उसने कहा कि ए इलाही इन दोनों में से जो सच्चा है अगर ये राहि मवाही सच्चा है तो ये मैं उसके रब के नाम पे कंकरी मार रहा हूं तो इस जानवर को तू खत्म कर दे ताकि पता चले कि सच्चा ये है जिस वक्त तू मारा तो उसने वो कंकरी लगाई कोई भी चीज़ जो अल्लाह लगाया था वो उसके लगाने से जानवर वहाँ ही मर गया रास्ता साफ हो गया तो वहाँ लोगों ने भी ईमान ले आमन्ना बिरबिल गुलाम आमन्ना बिरबिल ग़ुलाम हम इस ग़ुलाम के रब के साथ क्या लाते हैं ईमान लाते है। दो चार लोग इस तरह हो गए फिर हुआ इस तरह के आखिरकार जादूगर का जो मुसाहिब था और बादशाह का जो मुसाहिब साथी था उसकी आंखें नहीं थी उसे पता चला कि ये आदमी कुछ ना कुछ करता है क्योंकि वो बच्चा जिस वक़्त कोड़ी वाले को और इसी तरह दीगर बीमारियों में वो जिसको देखता था चेक करता दवाई देता और उसका इलाज करता वो शफ़ा याब हो जाता अब जिस वक़्त वो नबीना आदमी उसके पास गया तो नबीने को उसने दुआ दी उसने एक नबीने ने जुमला बोला कि अंत तू ऐसा आदमी है कि अगर तू शफ़ता नहीं तू मुझे शफा देगा ना तो मैं शाफी काफी हो जाऊँगा। तो लिहाजा तू मुझे शिफा दे उसने एक जुमला बोला कहा कि मैं किसी को शिफा देने वाला नहीं हूँ। अल्लाह की जात है। शिफा देने वाली कौन है अल्लाह शफा कल्ला अल्लाह तला तुझे शिफा देगा उसने दुआ की दुआ के बाद उसकी आंखों की बनाई आ गई आंखों की बनाई आई बादशाह के पास पहुंचा बादशाह ने कहा आंखों की बनाई कहाँ से आई है कहने लगा कि मुझे बच्चे के रब ने शिफा दी है उसको उससे उसने मुहिदा किया कि तू पहले ईमान ला फिर उसके बाद तेरे लिए दुआ करता हूं लगा कौन रब मेरे सिवा तेरा रब कौन हो सकता कहने लगा कि वो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है उसने कहा आखिर पटाई करनी शुरू कर दी कि पीछे मामला कौन है मुहाजरा कौन है ये कौन पीछे चलाने वाला है आखिरकार उसने उस बच्चे का बताया बच्चे को लाया गया बच्चे की उन्होंने खिंचाई पटाई की बच्चे ने राहिब का बता दिया जो कि नहीं बताना था उसने वादा लिया वो वा लेकिन जिस वक़्त राहिब को लाया गया उसको कहा गया कि अपने दीन से हट जा और इस दीन को इख्तियार कर जो मेरा दीन है वगरना तुझे कत्ल कर दूँगा अब उसने उसको भी कत्ल कर दिया और इसके साथ साथ अपने मुसाहिब को भी ख़त्म वो कर दिया फिर बच्चे को कहा कि इसको पहाड़ पे ले जाओ और पहाड़ पे ऊपर जा नीचे गिरा देना एक वादा लेना अगर अपने दीन को छोड़ता है तो ठीक वगन्ना इसको कत्ल कर वो एक ही दुआ पड़ता था जिस वक्त सारे सारे लश्कर के साथ पहाड़ पे गए पहाड़ की चोटी पे वहाँ जा कर उसने कहा कि अपने दीन से हट जा फिट जा मुर्ताद हो जा उसने कहा अल्लाह मखफी हम बिमा शेत मुझे नहीं पता तू ही इन सब लोगों से काफ़ी शाफी हो जा मुझे नहीं पता कि तेरे असबाब क्या हैं तू कौन सी चीज़ें भेजता कैसे करता है अल्लाह मक्फीनी बिमा शेत निज़ामी भाई उसका यह जुमला पढ़ना था पहाड़ में जुम्बश और पहाड़ में जलजला आया और सारे तबाह हो गए बच्चा बच गया आया वापस आया उसने कहा तू कैसे बच गया उसने कहा मुझे उस रब ने बचाया है फिर उसके बाद समंदर के सबूरद उसको कहा गया कि इसको समंदर की लहरों में जा के कर दो डुबो दो वहाँ भी उसने जिस वक्त देखा कि बिल्कुल दरम्यान में इस तरह कश्ती गई तो वहां उसने एक तरह एक तरह इस तरह करके कहा अल्लाह हम मकफी नहीं हम बिमाशे था जी इस दुआ की बरकत से सारे कश्ती वाले वो सारे डूब गए बच्चा फिर वापस आ गया कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता इसी तरह नादरीन हम आपको ये अल्लाह के हुक्म से वादा देते हैं कोई जादूगर आपको कत्ल नहीं कर सकता कोई ज़ालम अपने जुल्म से मटा नहीं सकता कोई हासिद आपको ख़त्म नहीं कर सकता कोई शरीर आप पे ऊपर शरारत नहीं कर सकता जब आपका पूरा ईमान यकीन हो इस बच्चे जैसा ईमान बनाओ इस बच्चे जैसी तुहद पैदा करो इस बच्चे जैसा अपने रब पे पूरा यकीन पैदा करो तो यकीन करें ये छोटे मोटे टहने मैने ये जिन और ये बाबे शाबे ये इनकी तो ही नहीं है आपके पीछे पूरी दुनिया के बड़े बादशाह भी लग जाए बड़े बड़े बादशाह लाग जाए जालम लाग जाए आप ये दुआ पढ़ें अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फजल व करम से आपकी अल्लाह हिफाजत हिफाज एक दफा फिर अल्लाह मकफी नी हम बीमा शेता सीना न खोल के सीना खोल के आसमान की तरफ देख के जादूगर के साथ इस तरह बैठ जाए और उसके कहें कि तेरे अंदर कुवत ताकत है तो मुझे कत्ल करके या मुझे जादू करके दिखा अल्लाह हम मकफीनी हम बीमा शेता अल्लाह तू ही मुझे इनसे काफी शाफी हो जाए यकी बड़ी अहम दुआ है और यह दुआ पढ़ने वाला कभी भी जालम के जुलम के सामने घुटने नहीं टेक सकता अच्छा वो मुझे एक वाक याद आ गया हम अभी कुछ देर पहले जब जी बैठे हुए थे तो बात हो रही थी आप बता रहे थे कि एक इंसीडेंस आपके साथ हुआ कि आपके सामने कोई पेशेंट लाया गया जादू के हवाले से जन्नात के हवाले से और फिर वो एक मामला भी दरपेश हुआ वो दुआ भी आपने की वहाँ वो दुआ एक और दुआ भी है साथ वो भी बड़ी जाबर किस्म की दुआ है मुझे वो एक जीन था कहने लगा कि साहब के मौल सा मुझे तू इसको दम करेगा।, करेगा।, अच्छा। करेगा और तू जीने बेगा तो इधर देख अब इसकी जान छूटी तू अपनी जान की परवाह कर आपको ये कहा जा रहा मुझे कहा जा रहा पूरा Life, आपने सामने फिजिकली सामने बैठा हुआ अच्छा तो कहने लगा कि अब इसकी नहीं तू अपनी फिक्र कर मैं उसकी तरफ मैं देख रहा मैंने कहा वाह भाई वाह छोटे मियाँ छोटे चो, चो, मियाँ बड़े मियाँ सुबह अल्लाह अच्छा बड़ी बात है हमारे सामने तो अल्लाह के फजल करम से इस तरह के काफी केस आते रहे मैंने कहा ओलम इधर देख इधर देख मैंने इस तरह करके अल्लाह अल्लाहुम्मा जुदी व भी का अहूल व भी का असूल व भी का उका तू ही मेरा दस्तबादू है तू ही मेरा दस्तबादु है और सिर्फ तू ही मेरा मददगार है बेशक हमें बेशक। किसी जिन इंसान फरिश्ते की किसी गैर शरी गैर सही वजीफे की मदद की मुआवनत की प्यारे सोने रब जरूरत ही नहीं है बेशक, बेशक। जिस वक्त आप यकीन करें इस तरह मैंने उंगली शहादत की यह शहादत की उँगली बड़ी भारी बरकम और वदनी उंगली है तीर से ज़्यादा लगती है शितानों को तो जिस वक्त ये दुआ पड़ी ना यकदम आप यकीन करें इस तरह उछल के दीवार के साथ सोफे में इसी तरह बैठा हुआ था दीवार के साथ लगा कहने लगा कि नहीं नहीं मैं तुझे छोड़ता हूँ मैं कुछ नहीं आपका कहूँ मैंने कहा भी देख बात सुन अब तूने नहीं कहना अब उसी ने कहना है उसी ने कहना है अल्लाम ताजुदी व नसीरी अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हैवी ताकतें उनके ऊपर मुसलत कर देता है कि उसकी हद नहीं अल्लाउमान तजूदी व न सीरी पी का आहूल तेरी मदद से तो मैं घूमता फिरता हूँ तेरी मदद से तो हमले करता हूँ व भी कातिल और तेरी मदद से तो मैं कत्ल करता हूँ आप ये दुआएँ पढ़ें उसके बाद बेफिक्र हो जाए दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती और कोई दुनिया की ताकत आपको

और अगर हम अपनी ज़िंदगियों में पॉजिटिव तब्दीली चाहते हैं जो मस्बत तब्दीली करना चाहते हैं अगर कोई ऐसे जैसे बद नजरी बदचलनी और मैलान के गलत मैलान के हवाले से या कर्ज़ है और उससे निजात चाहिए फ़राखी रिस्क के हवाले से और हासिदों से बचने के लिए तो ये सेगमेंट ख़ास तौर पर रिपीट करके सोशल मीडिया पे जब हम अपलोड करेंगे देखिएगा बड़ा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह Ooh. Mm -hmm.